हाय एवरीवन, वन्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक सुना एकेडमी। तो आई होप पे तुम प्रिपेरेशन टा बोर्ड एग्जाम पे प्रिपेरेशन तुम भल चली थी है मोर तुमको सब समस्त को ऑल द बेस्ट एग्जाम तुम भल कर दबो पूरा ठीक अच्छे। आम देखी पे आम शॉर्ट नोट सब हो जाएगा, शॉर्ट नोट अपलोड कर दे लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड कौ कौटा आम कवर कर सारी सब देखा। फर्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन जोड़ा थी जुलोजर बटनी बहुत रो तुमको अपलोड करके देन तुमको वन मार्क रो सब चैप्टर वाइज तुमको प्रोवाइड करी तुम प्ले लिस्ट विजिट कर पार प्ले लिस्ट तुम जुलोजी एमसीक्यू और बटनी एमसीक्यू बोले कर देला। तो लॉन्ग क्वेश्चन तुम गला ठीक अच्छे, लॉन्ग क्वेश्चन गला तुम वन मार्क गला आउ बाकी जो शॉर्ट नोट थी शॉर्ट नोट वीडियो आउ तुम कौन रहा तुम डिफरेंस बिटवीन वीडियो अपलोडेड अच्छे है। तो प्रायत सब कम्प्लीट हो तो आम पाखे टाइम कम तो आम कौन करवा जो भेरी सिमिलर सेट गुड़ा थे से सेटर प्रिपेयर करवा कारण सेट मानक आसपार बहुत चांसेस था एग्जाम ये मानक क्वेश्चन आसपार एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन आसपार चानसेस बहुत थे तो सर मैं पचारे सर मैंने भी तुमको कहे तुम्हें जो सेट दिखाई से सेट मानक सब प्राक्ट कर बोलिया। तो आई थोड़ा आम स्टार्ट करवा सेट आज आम सेट वन देखा नेक्स्ट डे आम सेकंड टू सेट टू देखा सेट थ्री देखी जिते सेट थी प्रायत सेट आम करवा एति की सेट जदि कवर कर दे तो निश्चित भाव एम क्वेश्चन आसीज है। तो जोड़ा तुमको देखिए शॉर्ट नोट आउ लॉन्ग क्वेश्चन से आसो ही आसो फर्स्ट ये सेट मानक देखा कारण है तुमको जो वन मार्क शॉर्ट क्वेश्चन जोड़ा सब अच्छे वन मार्क से सब तुम ए ठीक अच्छे। चलो वीडियो को स्टार्ट करवा आज हम देखा कौन पे सेट वन देखा ग्रुप ए रे। तो देख पे यहाँ हूँ तुम कैसे मार्क रही वन इंटू फाइव जो वन इंटू फाइव पाँच मार्क रही वन वन क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स नॉन स्पेसिफिक डिफेंस ऑफ द बॉडी। तो पहले इमानक मध्यरु नॉन स्पेसिफिक डिफेंस ऑफ द बॉडी को तुमको प्रोवाइड करता है टी सेल बी सेल फैगोसाइटोसिस और स्टेम सेल कोटा तुमको प्रोवाइड करता है फैगोसाइटोसिस ठीक अच्छे। फैगोसाइटोसिस तुमको कौन प्रोवाइड करे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम हला। नेक्स्ट देखो व्हिच वेक्टर कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। तो पहले वेक्टर है कौ वेक्टर तुम क्लोन करता है कौन तुम स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को खाली से क्लोन कर क्लोन अर्थ बोले आउ गोटे या क्लोन बोली कही था कि नहीं। तो कौ वेक्टर तुम गोटे स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को से खाली क्लोन कर ए दी वाई एसी याक देन दे प्लाज्मिड कॉस्मिड आउ बीएससी कौटा पे तुम यहाँ हूँ प्लाज्मिड वेक्टर है। नेक्स्ट डर्विन्स फिंचेस आर एन एक्सेंट एग्जांपल ऑफ डैश। तो पहले डर्विन फिंचेस सरकार को तुम एक्सेंट एग्जांपल ऑप्शन देखो एडेप्टिव रेडिएशन रो ना तुम सीजनल माइग्रेशन ना तुम ब्रॉड पैरासिटिज्म ना तुम कनेक्टिव लिंक कोटा आंसर यहाँ तुम एडेप्टिव रेडिएशन कमी लिख डर्विन्स फिंचेस आर एन एक्सेंट एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन है। नेक्स्ट प्ले व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड हैचिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन। बोले देख कौ फेनोमेनन द्वारा तुम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है आउटा फर्टिलाइजेशन हैचिंग मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन तुम से इम्प्लांटेशन होता है। तो से प्रश्न देख पे विदाउट फर्टिलाइजेशन मैंने लगेगा मैंने कौन कौ जिन आसो तुम से तुम गोटे टर्म मन रखि जब विदाउट फर्टिलाइजेशन कौन से भी जब होम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो तो सेटा आम कौन कहवा पार्थेनोजेनेसिस है। तो मन रखि तुम कौन पार्थेनोजेनेसिस। तो आंसर कौन हो तुम व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड हैचिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो लिखो तुम पार्थो ए सॉरी पार्थेनोजेनेसिस है क्लियर। नेक्स्ट इन व्हिच ग्रुप ऑफ एनिमल जेड डब्ल्यू टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज ऑब्जर्व। तो यही आंसर तो पहले सबको जना पड़ थोड़ा और पहले यही सेट्र तुम निजी टेस्ट कर पार जो तुम कैसे परसेंट प्रिपेयर हो तो बोर्ड एग्जाम है तो जुलोजी सेट है। तो नेक्स्ट आम आउ अन्य सर्ट गुड़ा भी सब देखा ठीक अच्छे। तो यार आंसर कौन हम पे यार आंसर जी तुम बर्ड्स है बर्ड्स मैं कैसे कमी सेक्स डिटरमिनेशन होता है जेड डब्ल्यू टाइप रहा है तो यहाँ मैं फाइव मार्क्स जोड़ा तुम वन पॉइंट सॉरी वन इंटू फाइव था फाइव मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम आपको बढ़िया देखा फिलिंग इन द ब्लैंक्स आउ करेक्ट द आंसर है। तो फर्स्ट देख सेटोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डैश। तो पहले सेटोली सेल कौन तुम पर्यटन तुम सब जान फर्स्ट चैप्टर जगह तुम अच्छी सेटोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू क्या प्रोवाइड करते स्पर्म को है स्पर्म को प्रोवाइड करते न्यूट्रिशन के तुम सेटोली सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख द मिडिल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज सराउंडेड बाय
पेरीफेराल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज। तो तुमको वीडियो मध्ये अपलोड कर दीची स्पर्म रो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जदि जे देखिनो तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देबी देखि देबला। तो देखो कोन कोची मिडिल पीस ह्यूमन स्पर्म रो जो मिडिल पीस रहि छै से सराउंड कर थाय बाय पेरीफेराल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। सेटा को हम कोन कहितो मिडिल पीस रे पिले, सेटा को हम कोन बोल कहितो, सेटा को हम मैचेट बोली कहितो होला। MACHETTE हला त कोन कहितो मैचेट बोली हम कहितो। नेक्स्ट देखिबा डैश इज कॉल्ड मोलिकुलर सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रे मोलिकुलर सीजर भाव कहा को हमें कही था हला। एटा तो बहुत इजी आंसर पले सब सुनि थबो। तो जब तुम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हला कोन तुम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम कोन कहता मोलिकुलर सीजर बोली कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ट्यूबेक्टोमी इज ए स्टेरिलाइजेशन टेक्निक इन मेल्स। तो पहले देखो करेक्ट द सेंटेंस इटा हला ट्यूबेक्टोमी हला पहले कोउ पो मानकर इटा फीमेल मानकर स्टेरिलाइजेशन टेक्निक हला। तो इतरे हम कोन दिछि ट्यूबेक्टोमी इज ए स्टेरिलाइजेशन टेक्निक इन मेल दिछि ताको तुम कोन करबो ट्यूबेक्टोमी इज ए स्टेरिलाइजेशन टेक्निक ऑन फीमेल हला। क्वेश्चन के तुम ध्यान रे पढबो, जदी करेक्ट द माने जो अंडरलाइन थबो सेटा के जदी से चेंज करबा पई न कहि थबो हला न कहि थबो त तुम इटा को चेंज करबो ने एटा को चेंज कर देबो। आ जदि करेक्ट द सेंटेंस देथबो त जदि इटा कहि थबो अंडरलाइन वर्ड को चेंज करो त तुम इटा को रखि देबो आ अंडरलाइन वर्ड को चेंज कर देबो। ठीक अछि तो ट्यूबेक्टोमी कोड तो फीमेल मन को पई त एटा भूल अछि एथिरे जो कोन दबो जदि मेल मन को केस रे थांता त एटा कोन होइतांता वासेक्टोमी होइतांता। तो ट्यूबेक्टोमी मतलब कोन फीमेल मन को केस रे हबो हला फीमेल मन को केस रे हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पले सुंदरलान बहुगुण स्टार्टेड ऑन एजिटेशन कॉल्ड नीम कैंपेन अगेंस्ट द बायोपर्सी। तो यहाँ भी अंडरलाइन वर्ड थी पे यार आंसर कौन हम तुम यार आंसर वंदना। ठीक अच्छे आंसर भले से देख पे वंदना शिवा है तो अंडरलाइन चेंज करदेव तुम वंदना शिवा स्टार्टेड ऑन द एजिटेशन है तो कौन लिखे तुम वंदना शिवा बोल लिखे। ठीक अच्छे तुम कौन फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ करेक्ट द सेंटेंस देन ग्रुप बी तुम कौन अच्छे आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्ट योर आंसर टू टू और थ्री इंपोर्टेंट सेंटेंस। तो यहाँ तुम शॉर्ट नोट अच्छे टू पॉइंट फाइव मार्क तीन टा करवा शॉर्ट नोट तो शॉर्ट नोट पे तुम करो ऑलरेडी अपलोड कर दीजिए तुमको है प्रैक्टिस करने तुमको कही दीजिए। व्हाट आर द कॉज एंड सिम्टम ऑफ टर्नर सिंड्रोम कर जेनेटिक ड्रिफ्ट कर तुम देन व्हाट आर द सोशल कौन तुम इम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहलिज्म यहाँ कर व्हाट इज फजाइल हाउ टेरिफाइड फजाइल आर फॉर्म्ड व्हाट इज बायोपायरेसी एप्लीकेशन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो यहाँ तुम शॉर्ट नोट सब प्रैक्टिस कर। नेक्स्ट टाइम देखा कौन एक्जोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस देन रही तुम होमोलोगस ऑर्गन एंड एनोलोगस ऑर्गन आउट रही स्टिमुलेंट एंड एलोसिजिनस है ये शॉर्ट नोट तुम सेट वन अच्छी कौन तुम डिफरेंस बिटवीन रेक आम कर तो डिफरेंस बिटवीन मुझे कही दूसरी तुमको बाकी तुम शॉर्ट नोट तुम निजे कर डिफरेंस बिटवीन। देखो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन आम देखा कौन एक्जोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। फर्स्ट देखो एक्जोन्यूक्लियस देज न्यूक्लियस क्लीव और ब्रेक बोथ यहाँ बोस लगे मतलब बोथ पेयर ऑफ डीएनए एट देयर टर्मिनल एंड। तो पहले देखो जो तुम रही एक्जोन्यूक्लियस एक्जोन्यूक्लियस कौन कर तुम ब्रेक कर बोथ पेयर डीएनए रो टर्मिनल एंड रे है डीएनए रो टर्मिनल एंड रे बोथ पेयर को से कौन कर ब्रेक कर आउ सेपटे देख एंडोन्यूक्लियस कौन कर दे क्लीव और ब्रेक एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट द टर्मिनल पॉइंट। तो तार अपोजिट पिले यहाँ खाली कौन तुम करूला टर्मिनल एंड ब्रेक करूला एथेर तुम टर्मिनल एंड को छाड़ी कोई जगह भी से कौन ब्रेक करें। नेक्स्ट मैं देख दे एक्ट ऑन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और गैप्स इन डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो पहले देख एक्जोन्यूक्लियस कौन थर तुम एक्ट कर डीएनए रो डीएनए तुम जानते डबल स्ट्रैंड थाए डीएनए रो आइदर तुम सिंगल स्ट्रैंड से एड कर और डबल स्ट्रैंड जोड़ था तार गैप से एड कर सेपटे एंडोन्यूक्लियस कौन कर दे क्लीव वन स्ट्रैंड और बोथ स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो से कौन वन स्ट्रैंड भी करपर किंबा डीएनए रो दुईटा जाक स्ट्रैंड से कौन एक्ट कर क्लीवेज बा तुम ब्रेक लगे पार कौन तुम एंडोन्यूक्लियस। ठीक अच्छे नेक्स्ट आ गोटे देख दे डू नॉट कट आरएनए दे मे कट आरएनए तो कौन आरएनए के मतलब कट करें ना यहाँ कौन तुम आरएनए को कट करें। ठीक अच्छे तो एक्जोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस देख लो। नेक्स्ट आम देखा होमोलोगस ऑर्गन आउ एनालोगस ऑर्गन तो होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन देखो कौन ये ऑलरेडी डिस्कशन करी मतलब आउ थे कहीदे देख
होमोलोगस रोमन फर्स्ट देखो, द ऑर्गन हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड बिल्ट ऑन सिमिलर फंडामेंटल प्लेन बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। तो पहले देखो जो ऑर्गन जो थी सर ऑर्गन केमती थी कॉमन ओरिजिन तांकर ओरिजिन सब कॉमन थी है बाकी कौन तुम डिफरेंट फंक्शन करेंगे एग्जांपल रे तुम्हें भलसे बुझीपर तो तुम लिखला बोले कि लिखित होमोलोगस ऑर्गन को होमोलोगस ऑर्गन बोले द ऑर्गन हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन ये सब जत्रा करवा दरकार नहीं तुमको लिखो ऑर्गन हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन तो सेपटे से उल्टा तार उल्टाटा लिखो द ऑर्गन हैविंग सिमिलर फंक्शन बट दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन है तो तार उल्टाटा ए लिख। नेक्स्ट पॉइंट दे सपोर्ट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दे सपोर्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है तो तुम होमोलोगस ऑर्गन कौन इवोल्यूशन को से फॉलो कर सपोर्ट कर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को यहाँ तुम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को है ये देख एग्जांपल इजी जो लिखाई एग्जांपल देखो फोर लिम्स ऑफ मैन हॉर्स एंड व्हेल हैव कॉमन ओरिजिन बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो देखो जो मैन मन को जो फोर लिम्स रही मेल मानकर तुम हॉर्स मानकर व्हेल मानकर व्हेल मानकर तुम फोर लिम्स स्ट्रक्चर ओरिजिन केमती स्ट्रक्चर सब समान बाकी कौन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन कर फोर लिम्स डिफरेंट फंक्शन मेन व्हेल पाखे जो लिम्स अच्छे तार डिफरेंट फंक्शन हॉर्स जो लिम्स अच्छे दौड़ापी हेल्प करते तार डिफरेंट फंक्शन अच्छे कि नहीं तो सेमती देख एनालॉगस ऑर्गन कौन हो विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बैट आर बोथ यूज फॉर फ्लाइंग फंक्शन बट हैव डिफरेंट ओरिजिन। तो पहले देख तुम इनसेक्टर पंख को देख आउ गोटे बादुड़ी पंख को देख दुईटार अलग अलग दिशुवे बाकी कम कौन कम सामान कि दुईटा उड़ापी हेल्प करते बाकी तुम देखापी अलग मैंने तुम डिफरेंट ओरिजिन डिफरेंट अच्छे बाकी कौन तुम सिमिलर फंक्शन करा तुम बुझीपार होमोलोगस ऑर्गन एनालॉगस ऑर्गन आउ गोटे तुम कौन रही है स्टिमुलेंट आउ हेलुसिनोजेन है तो स्टिमुलेंट आउ हेलुसिनोजेन रु आम देखा कौन तफात अच्छे। तो फर्स्ट देख स्टिमुलेंट ड्रग विच स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड मेक ए पर्सन मोर वेकफुल अलर्ट एंड एक्टिव आर कॉल्ड स्टिमुलेंट। तो स्टिमुलेंट कौन करते हैं स्टिमुलेंट तुम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एफेक्ट करा ड्रग्स स्टिमुलेट कर आउ गोटे पर्सन को कौन कर पूरा सचेतन रखापी हेल्प कर अलर्ट रक्टिव रोज सब बोले है तो कौन कही था से ड्रग को स्टिमुलेंट बोली कही था ये हेलुसिनोजेन कौन देखा देख ड्रग दैट चेंज द कॉन्शियसनेस थॉट फीलिंग एंड परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड एज हेलुसिनोजेन है। तो पहले देख हेलुसिनोजेन तुम बोले शुणी थोड़ा मुवी मन कर हेलुसिनोजेन जो ड्रग्स जी जो नहीं था कौन निजक बहुत शक्तिशाली मानते फिल होती उड़ूची गोटे मो पाखे सब अच्छे सेमती टी फेक फेक जिनिस गुड़ा से मैंने फिल कर। नेक्स्ट पॉइंट देख दे कॉज एक्साइटमेंट एंड दे कॉज हेलुसिनेशन और इल्यूशन। तो देख ये मैंने कौन तुम एक्साइटमेंट बाबू फिल करेंगे और हेलुसिनोजेन वाला कौन करदेव हेलुसिनोजेन जहाँ को होती है से कौन तुम गोटे इल्यूशन कर इल्यूशन अर्थ से गोटे स्वप्न में देखला बेल उड़ीला उड़ीला बाग लगुव मु सब को मारी पारि मुझे एमती टाइप फिल मैंने आसूबा इल्यूशन हो। नेक्स्ट दिस इनक्लूड द कैफीन कोकीन एंड एम्फेटामाइन है तो स्टिमुलेंट को ड्रग दे तुम से तुम कैफीन जो कोकीन जो टी मन शुणी थोड़ा पे मुवी मनकर एम्फेटामाइन जो आउ हेलुसिनोजेन कौन तुम जो दे इनक्लूड हेम्प प्लांट प्रडक्ट दैट इज भांग गांजा एंड चरस है यहाँ सब शुणी थोड़े तो स्टिमुलेंट आउ हेलुसिनोजेन तुम जापार तो ये तुम पहले डिफरेंस एंड ब्यूटी जो तीन टाइम डिस्कसन कली आउ नेक्स्ट देख नेक्स्ट रही तुम लॉन्ग क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन देखा ना लॉन्ग क्वेश्चन मुझे तुमको जो सिलेक्टिव से सिलेक्टिव तुम पढ़ जाओ से तुम्हें जथेष ठीक अच्छे तो मिले आम अपकमिंग नेक्स्ट भिडियो जो थी तुमको सेट टू आम डिस्कसन करवा तो भिडियो भल लगे तो निश्चय गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को सेट करदेव।